बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ के साथ मैं हूं नवीद बिलावल और मैं हूं नबीला अजीज। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। चीनी और आटा महंगा होना हुकूमत की कोताही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ, बोले मनसूबा बंदी के तहत प्रोपेगंडा हो रहा है। जानते हैं किसने फायदा उठाया। मस्नूई बहरान पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। महीनों और सालों में पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। कप्तान हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, लाहौर में भी सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम। तकरीब से खिताब में कहा, यह सफर मदीना की रियासत के उसूलों का सफर है। आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया, खिदमत मरकज का इफ्तिताह भी किया। बेहतर परफॉर्मेंस पर ही तरक्की मिलेगी। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। एक सूबे में 10 साल से ज़्यादा क़याम करने वालों को प्रमोशन नहीं मिलेगी। मर्दों को पहले 5 और ख़वातीन को 3 साल दूसरे सूबों में सर्विस करना होगी। कहीं भागने वाला नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, कहा किसी मुआहदे का हिस्सा थे ना हो सकते हैं। सियासी और मुआशी सूरतेहाल को देखते हुए कहा था, 2020 तब्दीली का साल है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां गैर जमहूरी करार दे दी। फजलुर रहमान अब की बार थरने में आए तो थर लिया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद का हुकूमत को मशवरा, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, सिक्योरिटी इदारे उनके साथ हैं। नौशहरों फेरोज में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। मुखालिफिन की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रुकने सीधे असेंबली शहनाज अंसारी जाम बहर। तश्वीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां दम तोड़ दिया। मकतूला बहनोई के चहलों में शिरकत के लिए आई थी। बिलावल भुट्टो की शदीद मुसम्मत, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल अकवामे मुत्तहिदा कल 4 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अंतोनियो गुतरेस की वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। बैनुल अकवामी कॉन्फ्रेंस बराए अफगानिस्तान में शिरकत भी शेड्यूल। हुकूमत को सख्त तरीन साइबर कवानीन बनाने होंगे। चीफ जस्टिस का लाहौर में सेमिनार से खिताब। जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, आम तासुर है कि कंप्यूटर या मोबाइल पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर साइबर जराइम होते हैं। इस पर भरपूर तवज्जो देनी होगी और मुतासरीन को जल्द अज जल्द रिलीफ मुहैया करना होगा। पतंगबाजी का खूनी खेल मजीद कितनी जाने लेगा। लाहौर के इलाके कहना में कातिल डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट डाली। ड्यूटी से घर जाते हुए डॉल्फिन अहलकार की गर्दन पर डोर फिर गई, ज्यादा खून बहने के बाइस सिसक सिसक कर दम तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। SSP मुफ़ख़र अदील और शहबाज ततला की पुरअसरार गुमशुदगी। पुलिस खोज लगाने में नाकाम, CCPO लाहौर ने केस की तहकीकाती रिपोर्ट IG को भिजवा दी। मुफ़ख़र अदील को हटाकर नई तैनाती की भी सिफारिश। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन, माली साल की पहली सहमाही में बड़ी सनतों की पैदावार में 9.66% इजाफा रिकॉर्ड। खुराक और मशरूबा सेक्टर में 41.57% इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारी। चीन में कातिल कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 143 जिंदगियां निगल लीं। हलाकतों की तादाद 1523 तक जा पहुंची। 66,000 से ज्यादा मुतासरीन जेरे इलाज। पाकिस्तान सुपर लीग 5 का मेला सजने में चंद दिन बाकी। टेमल मेल्स, पैन कटिंग, एलेक्सेल, जानबूथा समेत कई गैर मुल्की स्टार्स की कराची लैंडिंग। पेशावर जलमी के लैंड हाउसन ने टीम के हमराह प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इवेंट में पहली बार उर्दू कमेंट्री का तड़का भी लगेगा।
और मिर्जा असदुल्ला गालिब मुनफरिद शायरी और अंदाज़े सुखन अपनी मिसाला। कलाम ने उर्दू शायरी के दामन को वसत दी। दुनिया छोड़े 151 बरस बीत गए, दिलों में आज भी जिंदा।